어떤 것 들어도 जय श्री महाकाल दोस्तों, स्वागत है फिर से आपके अपने YouTube चैनल में। तो दोस्तों यार मोकम भाई और मैं वापस उसी लोकेशन पे पहुंचे, हेडपंप वाले लोकेशन पे। गाइस वो जो हेडपंप था ना गाइस, उसी के जस्ट थोड़ा सा आगे की तरफ एक और हेडपंप है, उस पर भी वो जो चुड़ैल है मतलब जो डाइन थी जिस औरत की वहाँ पे मौत हुई थी, वो औरत यहाँ पे भी मतलब कि रात के टाइम दो लोगों को दिखाई दी थी गाइस, कल रात की बात है गाइस। तो मोकम भाई से मैंने कॉन्टेक्ट किया कि भाई यार ऐसी अर्जेंट लोकेशन पे हम लोगों को चलना है। और गाइस जो मोकम भाई के साथ में वो जो शमशान घाट के अंदर हादसा हुआ था ना गाइस, उसकी जो हम लोग वीडियो शूट नहीं कर पाए, उसी रात मैंने लड़कों को बुलाया था हाथों हाथ, गाँव के कम से कम 4 से 5-7 लड़कों को बुला के लेकर आया था और हाथों हाथ महाराज के पास में लेकर गए। तो मतलब वो जो सीमा की आत्मा थी गाइस, वो इन पे थोड़ी हावी हो गई थी, मतलब इनके अंदर शरीर के अंदर प्रवेश कर चुकी थी मतलब। लेकिन गाइस वो मामला ज़्यादा देर तक नहीं चला था, मतलब गुरुदेव के आशीर्वाद से मतलब वो सब कुछ खत्म हो गया था मैटर। उनके बाद आज घर भी नहीं गया भाई, घर भी नहीं गई गाइस, और डायरेक्टली अर्जेंटली इस लोकेशन पे हम दोनों को आना पड़ा। तो यहाँ का जो मैटर है गाइस, वो हेडपंप है आगे की तरफ, और जो पहले जो वीडियो देखी आप लोगों ने वो जो हेडपंप है इस तरफ है गाइस। तो पहले इस हेडपंप पे चलते हैं और उस हेडपंप की कहानी आप लोगों को बाद में समझाऊंगा मैं। तो मोकम भाई, हाँ भाई कहानी आपको मालूम नहीं, आपको बस मेरे साथ में रहना है गाइस। मोकम भाई को कुछ नहीं पता है कि क्या मैटर है, तुमने मेरी मदद की, मैं भी करूंगा ना यार। हाँ यार भाई, और मोकम भाई पूरा दिल से साथ दे रहे गाइस। जो हेडपंप है आगे की तरफ है, वो औरत पता नहीं गाइस क्या चाहती है लोगों से, मतलब कि बोलते हैं कि उस हेडपंप में तो गाइस हम लोगों ने अपनी आंखों से देखा था कि रात के 12 बजे बाद में खून ही निकलता है गाइस, और उस दिन भी खून का घड़ा लेकर गई थी, मतलब कि हमारे आंखों के सामने मटका भर के लेकर गई। हाँ यार भाई कैसे गई वो, हमारे साथ में थे नहीं सुरेंद्र भाई, हम थे। और गाइस आप लोगों ने देखा अंदर, मतलब उस दिन इतना ज्यादा तूफान चल रहा था ना, हवाएं इतनी तेज चल रही थी, मैं आप लोगों से ज्यादा बात भी नहीं कर पा रहा था उस दिन, है ना सुरेंद्र भैया। तो गाइस वो जो हेडपंप की लोकेशन है वो आगे की तरफ है, और इस जगह पर मेन चक्कर ये है कि यहाँ पे मतलब कि 3 रास्ते फटते हैं, मतलब चौराया बना हुआ है गाइस एक, तो यहाँ पे मतलब कि बहुत सारे लोग ऐसे टोटके वगैरह जादू मंत्र भी करते हैं, तो इन सब चीजों से भी मतलब कि बचकर रहना पड़ेगा हम लोगों को। हाँ यार भाई, ओए कैसे लिए, चलो तुम चलो चलो आगे चलो आगे चलो भाई भाई फटाफट करो आगे चलो तुम भाई, मतलब यकीन मानो यार टाइम जो हो रहा है वो मैं आप लोगों को अभी जस्ट 9 बता देता हूँ, 11:35 हो चुके और भाई 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 हेडपंप पे हम लोग पहुंच चुके। सुरेंद्र भाई ये देख सकते हो गाइस तिराया, जो कि मतलब फोकस का मैं तो फोकस और बढ़ा लूँ यार। हाँ भाई सुरेंद्र भाई, और तुम्हें कुछ भी दिक्कत भाई हमें जरूर बताना यार। हाँ। गाँव के जिस लोगों ने मेरे को बोला था ना गाइस, उनका भी मकान, और भाई यार यहाँ पे क्या है, हेडपंप से आवाज आई ना, आवाज आई भाई यार, गाइस यार कसम से आवाज आई इस हेडपंप से मेरे को। हाँ यार भाई, मतलब 12 बजे के बाद की जो बात है ना गाइस, उस हेडपंप के अंदर तो हम लोगों ने देखा था, लेकिन वो जो औरत है इस जगह पर, ओए कौन है, कौन है भाई, अरे पीछे कोई था यार, पीछे भी आवाज आई थी भाई यार, ऐसे रिस्क मत लो यार, कौन है, डरो मत डरो मत पीछे भी लगा था यार मेरे को। सुन भाई डराओ मत यार, देखो हाँ, अरे ऐसे मत डरो यार, मैं बोल रहा हूँ ना, हिम्मत रखो हिम्मत भाई यार, अरे भाई यार, अरे हिम्मत रखो यार भाई, पीछे कोई था यार, अगर ऐसे डर कर चलेंगे तो अपन यार देखो काम नहीं होगा, ठीक है ना, आओ आगे तरफ आओ। तो गाइस देखो दिल के अंदर इतना डर बैठ गया ना गाइस, कसम से धड़कने बंद होती जा रही है, और उस हेडपंप के अंदर तो मैंने आपको से देखा था गाइस, लेकिन इस हेडपंप को भी एक बार हिला के देख रहा हूँ। तो मोकम भाई मैं हेडपंप हिलाता हूँ, आप पानी को चेक करना, या फिर एक काम करो आप रहने दो, आप हेडपंप हिलाओ मैं पानी को चेक करता हूँ, गाइस कुछ भी गड़बड़ होगी तो मतलब मेरे को हो जाएगी कुछ। ओ देखो भाई भाई, मैंने बोला ना यार कुछ तो कुछ है यहाँ पे भाई यार, तो समझ नहीं यार बात को, मैं बोल रहा हूँ ना यार कुछ है यहाँ पे, हाथ लगाया गाइस उधर से मतलब की जीडियो में से अचानक, इसलिए तो पूरी हलचल हुई थी ना भाई, कौन है यार पीछे, कौन है दिख रहा भी नहीं है, डरेंगे तो काम नहीं होगा भाई, फटाफट करो जो भी करना, मैं बोल रहा हूँ यार भाई यार, देखो आवाज लगाते थे, देखो जो कोई भी हो यहाँ पे, किसी की भी स्पिरिट ऐसे जो आत्मा जैसे भी बोल सकते हैं, कोई भी हो तो हम आप लोगों को कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाने आए हैं, बस जिन गांव वालों ने हमको जो भी बोला था
उनकी मदद के लिए भाई। अरे भाई क्या करे यार, भाई यार जो भी करना फटाफट करो यार, करो चलो, ऐसे डरने से काम नहीं होगा। भाई आप हिलाओ हेडपंप को यार, एक बार चेक करते पास में थोड़ा सा, एक बार हेडपंप को चेक करते भाई। अभी तो गैस देख सकते हो किले में पानी है यहाँ पे यार, पानी नहीं थोड़ा अभी तो थोड़ा पास हो जाता, पानी है गैस यहाँ पे यार, हाँ पानी लग रहा है, पानी बहुत खराब आ रहा है इसके अंदर यार, खराब आ रहा है पानी आ रहा है। कौन है जो मैं आप लोगों को आगे चलकर बताता हूँ, सुंदर भाई इधर से आओ यार, साइड से आओ, साइड में सुंदर भाई आप आगे की तरफ चलते रहो और जो लोकेशन को है देखते रहो। मतलब गाइस ये जो लोकेशन है ना, मैं बता देता हूँ कि आगे की तरफ मतलब पीछे की तरफ बड़े बड़े महाशमशान घाट जो होते हैं ना वो बने हुए हैं, और साथ में बच्चों का कब्रिस्तान भी है वहाँ पे। बात ये है उनके पास मुस्लिम वो है, हाँ मुस्लिम कब्रिस्तान है। अब तुम पता है गाइस मुस्लिम कब्रिस्तान कितने खतरनाक रहते हैं, खतरनाक बहुत होते हैं गाइस, इसलिए हम ज्यादा आगे जाने की कोशिश नहीं कर रही है। और कोशिश क्या भाई, मेन बात है हम तीन जने उसको पता नहीं चलना चाहिए सुंदर भाई, रुको अच्छे से कैप्चर करो उसको यार, भाई यार भाई वो देखो क्या कर रही हो, क्या कर रही हो वहाँ पे, देखो 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 गाइस कसम से यार, देखो सुंदर भाई थोड़ा सा कैमरा डाउन करो, कैमरा डाउन करो भाई, भाई वो देखो क्लियरली यार हेडफोन के पास में बैठी है ना, हाँ भाई यार भाई भाई वो भाई आगे वो देखो क्या कर रही है वो है भाई पता नहीं, अरे भाई अरे यार गाइस कसम से यार भाई मेरा ही यार, आज तो 12 बजने से पहले यहां पे आ गई यार ये तो, इसलिए तो हमकुम भाई वो देखो क्या कर रही है वहां पे यार। अच्छा हुआ उस वक्त हम हेडफोन के पास में नहीं थे मुकुम भाई, वरना हमारी भी जान गाइस जा सकती थी भाई यार, क्या करे यार क्लियरली क्या कर रही है वहां पे देखो तो सही। अरे भाई हां ओ भाई अब अपना पास हमला तो नहीं कर सकती, वो कौन हो तुम भाई, रुको मैं इससे बात करने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है ना, ठीक भाई कौन हो तुम, दूर रहना यार, देखो क्या चाहती हो, कौन हो तुम, अरे सुन क्यों नहीं रही हो, कौन हो तुम, हां क्या कर रही, क्या कर रही है, कुछ भी रिस्पॉन्स नहीं है, अपनी धुन के अंदर मस्त है जो काम कर रही है, और भाई वो जा रही है, हां हां भाई यार देखो हेडफोन मिला के वो जा रही है ना, हां यार भाई भाई एक मिनट आ जा, चल ना भाई, ओए क्या कर रही है, क्या कर रही है, क्या कर रही है, देखो पत्थर आ गया, और पत्थर, अरे भाई यार भाई हां सुंदर भाई पीछे कौन है, अरे पीछे कौन है यार, कौन है पीछे, कौन है भाई, ओ भाई पीछे कौन है, कौन है, हां अरे भाई क्या होने, भाई यार कहां गायब हो गई वो, कौन भाई कहां गई यार वो, चलो चलो कहाँ गायब हो गई यार, अरे अभी थी यार, अभी कैमरा में दिख रही थी वो साफ साफ, चलो आगे चलो आगे चलो, चलो 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 अभी यही भी थी यार, देखो देखो और मटका मटका दिख गया, चलो चलो देखा इसको, हाँ मटका देखो सुंदर भाई यार, मटके में क्या है, मटके में क्या लग रहा है आपको, पानी है यार, हाँ पानी है, पास होना यार, ये खड्डा कैसे इसके अंदर, खड्डा हो रहा है इसके, खड्डा इसके अंदर, हाँ यार भाई, और दो दो खड्डे, दो दो खड्डे इसके तो, और देखो पानी कितना गंदा आ रहा है यार, खून जैसा है ना, हाँ यार भाई, और यार ये तो मेरे को लगता है किसी जानवर का मर्डर करके, हाँ यार भाई उसको वो जो शरीर के अंदर गंदा पानी होता है ना, हाँ यार भाई मेरे को ना वही लग रहा है मेरे को तो, वही यार खड्डे इसके, अब वो चुड़ैल कहाँ गई यार, चुड़ैल तो इधर ही थी यार पहले, गाइस कसम से यार मतलब मटकी के अंदर इतनी चीज, क्या हुआ बुद्धू मार रहा है, भयंकर यार इसके अंदर तो यार, पटको नीचे पटको नीचे मार लो इसको, अरे हाथ बजा रहा हूं इसको नीचे मार लो, नहीं भाई नीचे नहीं, क्यों क्या करोगे, बुद्धू आ रही इसको यहां से लेके चलते हैं, क्योंकि अपन इसको लेकर चलेंगे ना तो वो जो टूटे लेना, चलो भाई चलो तुम तो यहां हमारे काम पे आ सकती है, चलो 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 इस मटकी को हम लोग अभी लेकर जा रहे हैं, क्योंकि जो चुड़ैल है ना वो गायब हो गई, और वो जो मटका है ना यही भी बोल के चली गई, तो हम लोग इसको लेकर जाते हैं हमारे साथ में,
और तो पता नहीं भूल के गई या उसने गई या उसने पूछा कि कुछ साजिश रची उमर साथ में, तो गाइस यार हम ज्यादा रुक चलो चलो भाई तुम चलो यार चलो तुम तो ओए ओए चलो यार चलो तुम गाड़ी घुमाओ जल्दी से।